गाइज मेरी बताती हूँ, ये एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिए, 2 वीक्स में आपका ओवरऑल बॉडी वेट रिड्यूस हो जाएगा। आपके शरीर में जहाँ भी चर्बी है, अगर आपकी थाइज, आपके हिप्स, आपका टमी, आपका बैक फैट या है फिर आपके आर्म्स, तो वो ऑटोमेटिकली टोन होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज आपको मैं बताने वाली हूँ ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट जो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन आपको उसको बस डेली फॉलो करना है और विद इन 2 वीक्स आपको अपने अंदर विजिबल रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज मुझे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस एक्सरसाइज के साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो इन 2 वीक्स में आपको चीनी को बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना। चाहे चाय आप पी रहे हैं तो फीकी पिए, कॉफी पी रहे हैं तो भी, मिल्क पी रहे हैं तो भी, और वैसे भी चॉकलेट्स, कुछ भी आपको शुगर इनटेक नहीं करना, तो डेफिनेटली आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही खूबसूरत प्यार देते रहें, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट वर्कआउट हम करने वाले हैं और जिसके लिए अपने आपको इस तरीके से बेंड करके टो टच करना है, देन फिर जंप करते हुए आपको ऐसे साइड बाय साइड जाना है, ठीक है। इसके आपको करने हैं 10 रैप्स और 10 के आपको करने हैं कम से कम 5 सेट, यानी 50 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। 10 टाइम्स करिए, 10 सेकंड रेस्ट लीजिए, फिर 10 टाइम्स करिए, फिर 10 सेकंड रेस्ट लीजिए, ऐसा 50 बार आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्टिंग टाइम में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे आपका सांस भी नहीं फूलेगा। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी, एक्सरसाइज से पहले आप सरसों का तेल अपने नोस्ट्रम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सांस जल्दी जल्दी नहीं फूलेगा। अब आपको करना है साइड बेंड, ठीक है, इसको आपको करना है 10 टाइम्स और 10 रैप्स के आपको करने हैं 5 सेट, यानी 50 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। 1 साइड 50 टाइम्स आपको करना है लेफ्ट साइड, 50 टाइम्स ही आपको करना है राइट साइड, ठीक है। 10 सेकंड के रेस्ट देंगे और 10 टाइम इसको एक बार में करेंगे, जितना आप ऊपर ला सकते हैं अपनी लेग को। जॉब यहाँ पे हमारे 10 टाइम्स कंप्लीट होते हैं। आपको 10 में स्टॉप नहीं होना, मैं अगर 50 बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको इसको 50 टाइम्स रिपीट करना ही करना है अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। हो सके तो किसी पार्क के एनवायरनमेंट में करें, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और थोड़ा मन को भी थोड़ी शांति मिलती है। फास्ट म्यूजिक चला सकते हो तो आप कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, बस वर्कआउट करना है। अब हम करने वाले हैं हाई नीज, पहले हम करेंगे स्लो, 1 2 3 4। आपको हैंड को टैप करना है अपने नी से, लेकिन अपने हैंड एक लेवल में रखने हैं और अपने नी को ऊपर लेकर आना है। हैंड ऐसे ऐसे मूव नहीं होंगे, आपने ट्राई करना जितना बेटर आप खुद, अगर टमी बहुत एक्स्ट्रा हो तो आप कम जा पाए, लेकिन अपनी तरफ से आपने डेली बेस्ट करना है, ठीक है। फास्ट फास्ट स्टार्ट करते हैं। करने के बाद आपको 10 सेकंड रेस्ट लेना है और इसको भी आपने करना है कम से कम 50 टाइम्स। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें टो टच करने हैं क्रॉस में, जंप करते हुए हमें इस तरीके से, आपको बता रही हूँ 10 टाइम्स करना है जंप करते हुए, ठीक है। तो चलिए फॉलो करिए। के बाद आपने इसको दोबारा से रिपीट करना है 5 टाइम्स, यानी 50 सेट्स करने हैं इसके, 50 बार इसको रिपीट करना है सेम एक्सरसाइज को। अब इसके बाद हम करने वाले हैं आप जंपिंग जैक, तो जंपिंग जैक हमें करने हैं 100, यानी हमें करना है एक बार में 30 के बाद रेस्ट, देन दोबारा 30, इस तरीके से हमें 100 कंप्लीट करने हैं। चाहे आप उसके 4 सेट बना के करें, चाहे उसके आप 3 या 2 सेट बना के करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you.
100 मिनिमम करना है। जितनी भी एक्सरसाइज बता रही हूँ मैक्सिमम जितना भी जाए, लेकिन जो है मिनिमम आपको मैं रेशियो जो बता रही हूँ उससे कम आपको नहीं करना है। आपका चाहे बिगनर है चाहे आप डेली के यूज टू है, लेकिन आपको इतना टारगेट सेट करना ही करना है। पूरे अपने दिन में अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। किसी तरीके से भी आधा घंटा निकालिए सुबह आधा घंटा शाम को। वर्कआउट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, जब आपको टाइम हो तब स्टार्ट हो जाओ। अब हम करेंगे अपनी लेग्स को वाइड, वाइड करके हमें क्रॉस में अपने फीट टच करने हैं, ठीक है। इससे आपके टमी एरिया पे लोड आता है और वहाँ का फैट रिड्यूस होता है। इसको हमें करना है 100 टाइम्स। दो सेट बनाइए या तीन सेट बनाइए, चार सेट बनाइए, वो आप पर डिपेंड करना है। 100 बार हमें रिपीट करना है इसको फास्ट फास्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको जंप करना है। आपको पूरा बॉडी पहले प्लैंक पोजीशन में लेकर आना है, फिर आपको अपने पूरे फोर्स से आगे आना है, ठीक है। कैसे करना है आप देखते जाइए। इसको आपको 10 टाइम्स करना है, 10 सेकंड रेस्ट लेना है, देन उसके बाद दोबारा से आपको इसको 50 टाइम्स करना है। प्लैंक पोजीशन में आ गए, जंप करके आपको प्रॉपर अपने जहां आपके हैंड्स है ना वहां पे आपको फीट लेकर आने हैं अपने। यहाँ पर आपके 10 रैप्स कंप्लीट होते हैं, 10 को आपने करना है 50 टाइम्स। और अब हम करेंगे प्लैंक, क्योंकि प्लैंक ओवरऑल बॉडी को आपके टोन करता है, तो आपने इस तरीके से पोजीशन ले लेनी है। मेक श्योर जब आप जंप करते हैं, जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जंप कर रहे हैं, तो आप अपने स्पोर्ट्स शूज जरूर वेयर करना, क्योंकि आपके फीट में नहीं तो पेन हो जाएगा उससे। सेकेंड से लेकर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, 2 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं, जितना आपका बॉडी स्टेमिना अलाउ करता है आप उतना बेटर करें। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सारा वर्कआउट फुल बॉडी का, जो आपके ओवरऑल वेट को रिड्यूस करेगा। तो देरी मत करिए, अभी से स्टार्ट करिए। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स। आपको इन बिटवीन जो आप 2 वीक्स चैलेंज मैंने आपको दी, आपको चीनी इनटेक नहीं करनी, नमक आपको ज्यादा नहीं खाना, फ्राइड फूड बाहर का जंक फूड आपको नहीं खाना, आपको पूरा दिन पानी जरूर पीना है, और मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप और वेट लूज करना चाहते हैं तो आप ये नेचुरल सप्लीमेंट है इसका इनटेक कर सकते हैं, स्नोका की बायोस्लिम। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो अगर आप चाहें और जल्दी वेट रिड्यूस करना तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। काफी लोगों ने मुझे कहा है कि उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।